तो भाई लोग आज ना आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी के कुछ ऐसे मिस एंड ग्लिच एंड टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे देखकर आप भी कहेंगे क्या बात है। अच्छा अरे सच में यार भाई लोगों, उससे मेरा क्या फायदा? अरे भाई इसमें तेरा फायदा ही फायदा है, तू वीडियो को देख तो तेरे को बहुत ही मजा आने वाला है इस ग्लिच को करने के बाद। अच्छा ठीक है। तो भाई लोगों और उनकी बहन जी तो अरे रुक रुक रुक, हमारी बहन जी तो तेरी क्या हुई? अरे मेरी भी बहन जी हुई यार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो। तो भाई लोगों आपको ना स्टेप बाय स्टेप ग्लिच बताने वाला हूँ, तो टॉप 3 ग्लिच बताने वाला हूँ, ठीक है? आखिरी का ग्लिच मिस मत करना, बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो भाई लोगों मिथ नंबर 1, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, मिथ, टिप्स एंड ट्रिक या फिर ग्लिच, ठीक है? कुछ भी बोल सकते हैं। तो मिथ नंबर 1, सबसे पहले ना आपको करने के लिए कुछ नहीं करना है, 2 आपको मॉन्स्टर ट्रक की जरूरत पड़ने वाली है। तो मॉन्स्टर ट्रक का चीट कोड है 0300, ठीक है? आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, मतलब ये टार्जन मॉन्स्टर ट्रक है, आप कोई सा भी मॉन्स्टर ट्रक यूज कर सकते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से लगा देने हैं जैसे कि मैंने लगा दिए हैं, और आपको ड्राइविंग का ऑप्शन आ जाएगा दोनों में, और आपको बैठ जाना है और फिर आपको एग्जिट कर देना है। फिर देखो कमाल भाई, आपका बंदा और कहीं से स्पॉन होना शुरू हो जाएगा। आप इस ग्लिच को फिर से ट्राई करो, देखो मतलब आपको एक बार इसको कर देना है, और आप जैसे उस चक्कों के पास जाएंगे ना, और आपका बंदा और कहीं से स्पॉन होना चालू हो जाएगा। तो भाई लोगों ये वाला मिथ आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अब चलते हैं दूसरे मिथ की तरफ। तो भाई लोगों सेकंड ग्लिच करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसी प्रकार से आपको एक मॉन्स्टर ट्रक ले लेना है। दूसरी चीज आपको हॉर्स लेना है, हॉर्स का चीट कोड है 200, आपको स्क्रीन पर लिखा दिख रहा होगा, ठीक है? तो आपको इस प्रकार से हॉर्स ले लेना है, और हॉर्स को और इस प्रकार ऐसे खड़े कर देना है, और दोनों को साथ में बिठा देना है, ठीक है? मतलब दोनों को साथ में इंटर कर देना जैसे ही दोनों का ऑप्शन आ जाए, ठीक है? मॉन्स्टर ट्रक का भी और हॉर्स का भी जैसे ही ऑप्शन आ जाता है आपको गेट इनका इंटर का, तो आपको दबा देना है। तो आपका बंदा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, हॉर्स के अंदर ऐसे घुस जाएगा, ठीक है? नहीं घुसता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अपने हॉर्स को ना इस मॉन्स्टर ट्रक से ऐसे टकराना है, ठीक है? तो आपका मॉन्स्टर ट्रक से जैसे ही हॉर्स टकराएगा तो आपके साथ बहुत ही खतरनाक ग्लिच होने वाला है। आपका हॉर्स ना भाई हवे में गिर जाएगा, मतलब यहाँ से गिर जाएगा, और आपके हॉर्स की डेथ हो जाएगी, और उसके साथ आपकी भी डेथ हो जाएगी। मतलब क्या होगा, आपका करेक्टर गायब हो जाएगा। तो इतना खतरनाक ग्लिच ना भाई अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपके करेक्टर की डेथ हो जाएगी, और आपका करेक्टर ना बिल्कुल ही भूत बन जाएगा, समझ गए ना भाई? ये देखो भाई कितना बवाल चीज है। इस ग्लिच को आप जरूर ट्राई करके देखना, ठीक है भाई लोग? तो भाई लोगों अगर आपको ये ग्लिच करना है तो एक बात का जरूर से ध्यान रखना कि आपका घोड़ा किसी भी चीज से टकरा कर डेथ ही होना चाहिए, मतलब आपके घोड़ा की डेथ हो जानी चाहिए किसी भी ऐसी चीज से टकराने पर। तो चलिए भाई लोग अब बढ़ते हैं अपने मिथ नंबर 3 की तरफ। यह है भाई तीसरा मिथ और हमारा लास्ट मिथ, यही है सबसे तगड़ा मिथ। तो देखो भाई लोग आपको इसको कैसे करना है, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया तो रहन देना, ठीक है? वीडियो को शेयर कर देना। तो भाई लोगों आपको इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस ट्रेन के पास आ जाना है। तो ट्रेन के पास आने के बाद आपको क्या करना है, मॉन्स्टर ट्रक बुलवा लेना है, ठीक है? तो मॉन्स्टर ट्रक का चीट कोड आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आप कोई सा भी मॉन्स्टर ट्रक बुलवा सकते हैं, जैसे कि मैंने टार्जन मॉन्स्टर ट्रक बुलवा लिया है 0300 करके, ठीक है? तो आपको मॉन्स्टर ट्रक बुलवाने के बाद कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ना इसको आपको अटैच करना है बिल्कुल ही ट्रेन से सटा के, मतलब ट्रेन से बिल्कुल चिपका दो, ठीक है? क्लोज कर देना, ज़्यादा क्लोज मत करना, नहीं तो आपका करेक्टर ऑटोमेटिक ही भाई कहीं भी भाग जाएगा, समझ रहे हो ना? आपको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है, मतलब आपको ऐसा अटैच करना है जब तक कि दोनों का ऑप्शन ना आने लगे, ड्राइविंग का, ट्रेन का भी और इसका मॉन्स्टर ट्रक का भी। तो देखो भाई लोग मैंने लगा दिया इसको, अब दोनों का ऑप्शन आ चुका है, और अब मैं इंटर कर देता हूं, तो अब ये ग्लिच हो जाएगा आपका बूम बाम तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है? ये ग्लिच हो चुका है, और आपको अपनी गन निकाल लेनी है। तो भाई देखो भाई कितना भयंकर लग रहा है ये ग्लिच, देख रहे हो ना भाई? तो भाई लोगों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसी बेहतरीन से वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय बाय।